आगे मैं मर जाऊंगा। अग्रसर, यह सब तुम्हारी व्याघ्रता का परिणाम है। तुम्हें तो कृष्णा के मार्ग पर बाधा उत्पन्न कर दी थी, किंतु कृष्णा ने स्वयं तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी। इस स्वर्ग को भूल कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अभी सुरंग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अगर लोगों को तुम्हारी वास्तविकता का ज्ञान हो गया तो वो तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। आगे बढ़ो, तुम यहाँ रुक नहीं सकते। जो आ गया गुरुदेव। मित्रों, शीघ्र अतिशीघ्र उठो, अभी तो बहुत अधिक कार्य शेष है। शीघ्र अतिशीघ्र कार्य समाप्त करो। हाँ, कार्य तो अभी बहुत सा शेष है, किंतु ये अच्छा हुआ कि समय पर मैंने तुम्हारे मस्तिष्क से वो स्मृति ही हटा दी, जिससे तुम अब ये नहीं समझ सकते कि मैं वृषभान नहीं अपितु एक मायावी राक्षस हूँ। तुम सब खेलने के लिए नहीं गए? नहीं कान्हा, तुम्हारे बिना खेलने में मन ही नहीं लग रहा। कान्हा, अपने लिए नहीं, हम सबके लिए सही, तुम ये सिद्ध क्यों नहीं कर देते कि तुम निर्दोष हो? किंतु हाँ मित्रों, इस कार्य में मुझे तुम सबकी आवश्यकता थी। अच्छा हुआ कि तुम सब यहीं आ गए। अब ध्यान से सुनो। हमारी गाय लौटा दीजिए। कौन सी गाय? मेरे पास तो कोई गाय नहीं है। काका, आप झूठ तो मत बोलिए। आपने हमारी गाय चुराई है, कहीं छुपा ली होगी हमारी गाय अपनी गौशाला में। अरे ये क्या कह रही हो, मैंने बोला ना तुम्हारी कोई गाय मेरे पास नहीं है। ये खुदाई रोक दीजिए, ये वृंदावन के लिए अशुभ है। पुत्र, तुम इस समय ठिठोली मत करो, हमें बहुत कार्य करना है, जाओ यहाँ से। हम कैसे आपकी बात मान ले? काका, हम अपनी गाय लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। अरे बस करो, मैंने कह दिया ना तुम्हारी गाय मेरे पास नहीं है। नहीं, एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ मेरे गौशाला चलो, देख लो वहाँ तुम्हारी गाय है या नहीं है। आप सबने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, एक बार पूनम चार तो कर लेते काका। ये बात कान्हा ने कही है, अतः इसमें अवश्य ही दोष है। अब हमें कार्य करने दो। ये देखिए, ये सब तो मेरी गाय है। क्या काका, हमारी गाय यहाँ छिपाई है आपने? चलो ये कार्य तो हो गया।
ये क्या? बांस मैट की लकड़ी? ये सब भूमि से क्यों निकल रही हैं? ये मात्र संयोग नहीं हो सकता, ये तो अंतिम संस्कार की सामग्री है। ये सब अशुभ संकेत है, हमें खुदाई रोककर यहाँ से चलना चाहिए। ललिता जाओ और ननका का और बाबा सहित पूरी पंचायत एकत्रित करो, ताकि सबको पता तो चले कि इन्होंने भी कृष्णा की ही भांति चोरी की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मुझे नहीं पता तुम्हारी गाय यहाँ कैसे आई। मैंने चोरी नहीं की है, किसी से मत कहना, नहीं तो वो मुझे दंडित करेंगे। तो क्या हुआ काका? काना भी निर्दोष था, फिर भी पंचायत में उसे दंड दिया गया, तो आपको भी दंड दिया जाएगा। नहीं नहीं, काना तो निर्दोष था। किंतु आप ही कैसे जानते हैं? सत्य तो ये है कि मेरे घर कोई चोरी नहीं हुई थी। मैं वो साहूकार के कहने पर निर्दोष काना के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया था। तो ये बात अब आपको नन काका के समक्ष स्वीकार करनी होगी, अन्यथा दंड के लिए तैयार रहना काका। अब वो कृष्ण वृंदावन में रहकर भी अकेला है, क्योंकि उसकी मित्र मंडली उसका साथ नहीं दे सकती। मैंने उन्हें मूक और अंधा बना दिया है आचार्य। अन्य सभी वृंदावन वासी तो वैसे ही कृष्ण से कुपित हैं, क्योंकि वो कृष्ण को चोर समझते हैं। अब कृष्ण का साथ कोई नहीं देगा। यह तो अत्यंत शुभ समाचार है मगरासुर। अब वृंदावन में सुरंग बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कृष्णा तो अपने घर से बाहर ही नहीं आ सकता। सीधा प्रहार होगा मेरे काल पर। आज रात्रि में ही मैं सुरंग का कार्य पूर्ण करूंगा। कल जैसे ही आकाश में सूर्य निकलेगा, कृष्णा वृंदावन से बहुत दूर होगा। जी, ना ही मेरे सुदामा को कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया सुदामा को। अरे राधा भी कुछ देख नहीं पा रही है और ना ही बोल पा रही है। न जाने ये रोग कैसे फैले जा रहा है। वैद्यराज जी, क्या ये किसी रोग के लक्षण है? ऐसा रोग तो मैंने पहले ना ही सुना है और ना ही देखा है नंद जी। अरे अब क्या होगा कि अगर इस रोग का निदान नहीं मिला तो ये बच्चे कैसे ठीक होंगे? यशोदा, हो सकता है ये किसी विशेष कारण से हुआ हो। एक कार्य किया जा सकता है, बालक बालिकाएं जिस स्थान पर खेलने के लिए जाते हैं, हमें उसका निरीक्षण करना चाहिए। हो सकता है वहां पर कोई उत्तर मिले। चलिए आइए। कहीं कहीं ये रोग तुम दोनों को हो गया तो? नहीं मैया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं काना, मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल हो रहा है। अब तुम दोनों तब तक घर से बाहर नहीं जाओगे जब तक ये रोग पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए। काना, कहाँ मेरी सौगंध? काना, कहाँ मेरी सौगंध?
आपकी सगन मैया। ताऊ, अब हमें घर के बाहर निकलना होगा। किंतु कान्हा, मैया ने तुम्हें सौगंध दी है। हाँ ताऊ, मैंने मैया की सौगंध खाई थी कि जब तक कोई भी रोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगा। किंतु ताऊ, हम तो जानते हैं ना, ये कोई रोग नहीं है, ये तो दानव के प्रहार करने का प्रभाव है। और वैसे भी पापा ने मुझे जो 7 दिन का दंड दिया था वो भी अब समाप्त हो चुका है। अब संपूर्ण वृंदावन मेरे मुख में है। समझो वृंदावन कृष्ण सहित समाप्त होने ही वाला है। सबके सब डूब के मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। मनि से समझ आ रहा है कि हम चारों ओर से जल में डूबे हुए हैं। अब क्या हो सकता है? यदि तुम भी अभ्यास करोगे तो तुम भी इतनी देर तक इस जल में रह सकती हो। एक लंबी श्वास लेकर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना होता है। अच्छा कान्हा, तो जल में अधिक समय तक रहने का प्रयास आप पिछले करवा रहे थे। हाँ जाऊ, ये प्रयास आज आने वाली विद्या से संघर्ष करने वाला है। जाऊ, आप यहाँ रहकर सब कुछ संभालिए। अब समय आ गया है, उस मगरासुर के मृत्यु के अंत का समय निकट है। दाऊ, हे देवी यमुना, आप प्रकट होइए। प्रणाम नारायण। हे देवी, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जल प्रवाह से डूबे हुए वृंदावन को बाहर निकाल लीजिए। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मगरसुर को एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जिस भी वस्तु को वो एक बार जल में डाल देगा वो मगरसुर के मृत्यु के पश्चात या उसकी आज्ञा से ही बाहर निकल पाएगा। किंतु देवी यमुना, वृंदावन वासियों की प्राणों की रक्षा करना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपका ये कार्य सिद्ध नहीं कर पाऊंगी, किंतु दिन के प्रथम पहर तक मैं वृंदावन वासियों को सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगी। तब तक आपको मगरसुर का अंत करना होगा। मित्रों, अब हम सब ठीक है, अब हम सब लोग बोल भी सकते हैं और डूब भी नहीं रहे। सब लोग धैर्य रखें। मगरासुर, आज तेरी कुटिल शालोकान यही यमुना के तट पर होगा। कृष्ण, मैं तुमसे अपने पूर्वजों का प्रतिशोध लेने आया हूँ। इस प्रतिशोध की अग्नि इतनी दुर्बल नहीं, ये तुम्हें भस्म किए बिना बुझने वाली नहीं। गुरुदेव, प्रथम पहर समाप्त होने को है, अब मगरासुर को कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं।
अत्यंत ही कठिन है। मुझे अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करना होगा। मगरासुर पर मेरे प्रहार का कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? कंस, मगरासुर को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक उसका आधा शरीर जल में और आधा शरीर धरती पर ना हो। कृष्ण, तुम जितना भी छल कर लो तुम नहीं बच सकते। छल मैंने नहीं, तुमने किया है मगरासुर। यदि तुम्हें मुझसे प्रतिशोध लेना था तो तुमने मुझसे सीधे सीधे युद्ध क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारी पराजय निश्चित है। नहीं, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। की पकड़ से छूट पाना सरल नहीं है मगरासुर। चल नदी की ओर। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद संपूर्ण वृंदावन जलमग्न कैसे हो गया था? मैया, कान्हा, तुझे मना किया था ना, तो घर से बाहर क्यों निकला? मैया, कान्हा ने सौगंध खाई थी कि जब तक ये रोग समाप्त नहीं होगा तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा। किंतु मैया, ये तो दानव के स्पर्श से प्रभाव था। ये तो श्री हरि की कृपा है, उन्होंने ही हमारी रक्षा की है और कान्हा ने आपकी कोई सौगंध नहीं तोड़ी। नंद जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कान्हा पे झूठा चोरी का आरोप लगाया था। कान्हा निर्दोष था, हम सबको क्षमा कीजिए। बाबा, जब इन्होंने अपनी त्रुटि स्वीकार कर ही लिया तो हमें भी इन्हें क्षमा कर ही देना चाहिए। किंतु काका, हाँ, भविष्य में कभी भी असत्य का साथ मत देना। इस बार आप बच गए, किंतु हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो असत्य की नाव में सवार होता है वो डूबता अवश्य है। शांत हो जाओ कान। शांत नहीं रह सकता मैं, हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकता शुक्राचार्य। उस कृष्ण से मुक्ति का उपाय निकलेगा, अवश्य निकलेगा। वृंदावन
वृंदावन वासियों की सुरक्षा की चिंता हो रही है। चिंता मत करो कान्हा, कुछ नहीं होगा किसी को। ये संकट जो भी है, हम है ना उसके स्वागत के लिए।